हेलो हमारा आज का टॉपिक है बर्थ कंट्रोल आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिली साइज को पर्सनल लेवल में लिमिट करें ताकि नेशनल लेवल पे पॉपुलेशन का साइज कंट्रोल में रहे वो मेथड जो इंटकोस को अलाउ करे बट कंसेप्शन को प्रिवेंट करे दैट इज़ नोन एज अ कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड दैट मीन पीपल कैन हैव सेक्शुअल एक्ट विदाउट गेटिंग प्रेगनेंट नाउ कॉन्ट्रोसेप्टिवस के बहुत सारे मेथड्स हैं एक आइडियल कॉन्ट्रोसेप्टिव अक्सर वो होता है जो यूजर फ्रेंडली हो आसानी से यूज़ किया जा सके ईजिली अवेलेबल हो इफेक्टिव हो रिवर्सिबल हो यानी कि वेन यू वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन यू शुड बी अलाउड टू हैव चिल्ड्रन और जिसके साइड इफेक्ट्स या तो हों ही ना या कम से कम हो ना देयर आर मैनी डिफरेंट माई मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव सबसे फर्स्ट मेथड इज़ नोन एज अ नेचुरल मेथड अनदर वन इज़ कॉल्ड बैरियर मेथड आई यू डीज़ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस ओ सी ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव इंजेक्टिबल और इम्प्लांट्स एंड देन वी हैव सर्जिकल मेथड ना लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल मेथड ऑफ़ फैमिली प्लानिंग वेन वी टॉक अबाउट नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग तो सबसे पहला मेथड है पीरियोडिक एब्सटेडेंस जिसे हम रिदम मेथड भी कहते हैं ये मेथड तीन आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है सबसे पहले वोमेन ओवीलेट्स फोर्टीन डेज बिफोर मैंसुरशन बिगिनस यानी कि एक वुमेन का पीरियोडिक साइकिल ट्वेंटी एट डेज़ का होता है और उस ट्वेंटी एट डेज में से जो फोरटीन डे होता है बिफोर मेंस्ट्रुएशन उस दिन ओव्यूलेशन होता है यानी कि एग रिलीज़ होता है स्पर्म कैन सर्वाइव इनसाइड अ वमेन फॉर टू टू थ्री डेज़ एक स्पर्म के सर्वाइवल चांसेस दो या तीन दिन से ज़्यादा नहीं होते हैं एंड थर्ड एंड एग कैन बी फर्टिलइज विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ बींग रिलीज एक एग सिर्फ चौबीस घंटे ही स्पर्म का वेट कर सकता है उससे ज़्यादा नहीं तो अगर एक कपल क्वाइटस यानी कि सेक्शुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करे फ्रॉम टेंथ टू सेवेंटींथ डे ऑफ द मैंसुरल साइकिल तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं या फिर uh, हम कह सकते हैं कि इट कैन एक्ट एज अ काउंट्रोसेप्टिव मेथड नाउ एज यू कैन सी दिस इज़ द मैंस्ट्रल साइकिल ये पहले के पाँच दिन हमारे ब्लीडिंग के होते हैं विच इज़ नोन एज अ मैंस्ट्रल फेज सिक्स से लेकर फोर्टीन्थ डे ये फॉलिकुलर फ़ेज़ है जिसमें फोटीनथ डे में ओव्यूलेशन होता है और फिफ्टी टू ट्वेंटी एट डे को हम ल्यूटियल फ़ेज़ या सिक्रिट्री फ़ेज़ कहते हैं नो मैंसिस के बाद कुछ दिनों के बाद बॉडी से बॉडी फीमेल बॉडी से एक लिक्विड निकलना स्टार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड म्यूकस ये म्यूक शुरू शुरू में क्लाउडी होता है धीरे धीरे ये और लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है स्मूथ, क्लियर और स्लिपरी हो जाता है जब ये एग के वाइट की तरह स्ट्रेची हो जाए उस टाइम पर एक वोमेन की फ़र्टिलिटी मैक्सिमम होती है और एग रिलीज़ होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं दिस इज़ यूजुअली ऑन द थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन डे फिफ्टीन डे के दिन अगेन वो लिक्विड फिर से क्लाउडी होना स्टार्ट हो जाएगा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी सो दिस लिक्विड और म्यूकस इज़ ए न्यूट्रिटिव फ्लुइड फॉर द एग और फॉर द फॉर द जैगोट जो बन सकता है तो दिस इज़ इस इससे आपको ये पता चल सकता है कि थर्टीन फोटीन और फिफ्टीन डे के टाइम जब आपका म्यूकस वेजाइनल म्यूकस स्ट्रेची है एंड वेट है दैट मीनस फर्टिलिटी हाई और ये दिन जो पीरियड है इस टाइम पे अगर अगर सेक्शल इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम है जबकि ये जो लेट डेज हैं दे आर सेफर डेज और ये शुरू के मैंसुरशन के एक दो दिन भी थोड़े से सेफ होते हैं सो so, ये आप म्यूकस देख सकते हैं यू कैन सी म्यूकस इफ़ द म्यूकस इज स्टिकी और बहुत कम है और पेस्ट की तरह है तो अ वोमेन इज़ इनफर्टाइल अगर थिक क्रीमी लोशन की तरह है तो भी वोमेन इज़ इनफर्टाइल बट इफ़ द म्यूकस इज़ वेट एंड वाटरी दैट मीन्स अ वोमेन इज़ फर्टाइल एंड शी इज़ अबाउट टू रिलीज द एग और जब जो म्यूकस का सिक्रीशन एग वाइट की तरह हो और स्ट्रेची हो तो देन एट दैट कंडीशन द वोमन इज़ मोस्ट फर्टाइल ये विजाइनल लिक्विड सिक्रीट होते हैं यूटरस से ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन तो इस टाइम पे अगर क्वाइटस को रोका जाए तो इसका मतलब ये है कि कॉपोले कंसेप्शन के चांसेस मिनिमम हैं तो आजकल इतना ही करते हैं थैंक यू एंड हैव हैवे नाइस डे